विकासखंड रामपुर मनिहारिन के ग्राम कल्लरपुर राजपूत से नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि अमरपाल सिंह राणा जी ने भारी मतों से जिताने पर सभी ग्राम वासियों का आभार व्यक्त किया और गांव में पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण किया। गांव की जनता ने जो उन पर विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरेंगे। ग्राम वासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी पानी की टंकी गाँव में लगवाए ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। जो रुके हुए विकास कार्य है उनको पूर्ण कराएंगे। प्रधान जी ने गांव में सैनिटाइजर व सफाई कराई। गांव में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार, कल्लरपुर राजपूत के अंदर हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत में और बात करते हैं नव निर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमरपाल राणा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनको जानने चाहेंगे कि किस तरह से ग्रामवासियों को धन्यवाद अदा करेंगे। तो अमरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक दिल से अपने सभी जनता का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं उनका। वो अमरपाल जी, जिस तरह से कोविड एक वैसे महामारी चली हुई है, ऐसे में किस तरह से अपने गांव में सैनिटाइजर फोविंग और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हमने बहुत उससे घर घर जाकर उन्हें समझाया है, उनके टेस्ट कराए हैं, उन्हें समझाया कि बीमारी बहुत खतरनाक है, अपने घर में रहो। मास्क की व्यवस्था भी कराई है, मैंने सैनिटाइजर भी इस गाँव में 3-4 बार स्प्रे भी कराई है। ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शहर से बहुत दूर हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। तो शिक्षा को लेकर आपको किस तरह से आप युवा प्रधान प्रतिनिधि हैं, किस तरह से जागरूक करेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा के लेके अभी हमारे गांव में तो 8वीं तक का स्कूल है, इसमें ये चाह रहे एक तो हाई स्कूल बन जाए, बहुत ज्यादा प्रयास है। एक स्वास्थ्य के लिए मैंने या छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल भी, सभी पहली बात तो सभी गांव में बनना चाहिए, सभी गांव में बनना चाहिए, मेरे गाँव में कि नहीं, सभी गाँव में बनना चाहिए, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है सभी को। जिस तरह से प्रधान जी अगर हम देखते हैं कि जनता जनार्दन होते, जनता ने आपको चुना है, बहुत सारे कुछ विकास कार्य ऐसे रह गए थे पिछले योजना में जो वो आपके सामने आएंगे, तो विकास कार्य को लेकर किस तरह से आप समाज को साथ लेकर चलने का काम करें? हम सभी के साथ, सभी का गांव में जो सभी के साथ के विकास करेंगे, जो भी गाँव का समस्या है उसे बहुत ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे समस्या को दूर। ग्रामवासियों से किस तरह से अपील करना चाहेंगे, वैक्सीन को लेकर किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे? हम उन्हें ये कहेंगे भाई अच्छी तरह से मैंने इसका ध्यान रखो, मैंने जितनी बीमारी है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसकी वैक्सीन का टाइम टाइम पर अपनी वैक्सीन का लगवाने का पूरा पूरा ध्यान रखो। अमरपाल राणा जी प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ, उन्होंने सर्वे समाज को साथ लेकर जो भी विकास कार्य अधूरे रहे उनको वो पूरा करेंगे और सर्वे समाज को साथ लेकर चलने के लिए प्राथमिकता रही है और वो लेकर चलेंगे। कैमरामैन के साथ पारस पवार, सिटी 24 न्यूज़, सहारनपुर।